सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम। सर जी के कहे पर हम लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं। हिंदी और उर्दू में बस फर्क आया इतना हम देखते हैं ख्वाब और आप देखते हैं सपना। सर जी का कहना है कि मैंने बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, और जो तुम मुझको समझते हो ये गलत है, ये भी किसी दिन बताना है तुमको। आइए कुछ मजाकिया से ले ले, हमारे एक मऊ के कवि हैं, वो लिखते हैं कि वो नागन बन के डसना चाहती है, मुझे बाहों में कसना चाहती है, बहुत रोई है हंसना चाहती है, मेरी आंखों में धसना चाहती है, और मेरा बेटा ये गाता फिर रहा है, मेरे अब्बा से फंसना चाहता है। मैंने दिल जिसको दिया था वो दिल्ली चली गई, दिल्ली जो मैं पहुंचा तो वो इटली चली गई, सोचा कि जान दे दूं बिजली के तार से, जब तार को मैं छुआ तो बिजली चली गई। एक शायर का कहना है कि करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरफ कौन तुमको चाहेगा, तुम्हें कोई जरूर हजरतों से देखता होगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। आइए पति और पत्नी के हवाले से कुछ मजाया टिप्स है। एक पति और पत्नी का विवाद चल रहा था, जैसे हम लोगों के मामले में तलाक का मामला चल रहा था, 2-3-4 साल चल रहा था, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे फिर पीछे, एक सहेली ने उसे पूछा कि तुम्हारे पिछले साल बच्चा कैसे पैदा हो गया, तो बोली वो बीच बीच में माफी मांगने चले आते थे। आइए 2-4 शेर बोलकर मैं फिर अपनी जगह लेता हूँ कि अना की मौनी सूरत बिगाड़ देती है, बड़े बड़ों की जरूरत बिगाड़ देती है, इसीलिए मैं शोहरत से बच के चलता हूँ, शरीफ लोगों को तो औरत बिगाड़ देती है। एक शेर कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरी आंखों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उनसे मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन आने जाने का किराया बहुत लगता है।